नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो चर्चा है वह माहू के ऊपर होने वाला है, क्योंकि ठंडियां बिल्कुल से अब बढ़ने लग गई हैं। धीरे धीरे ठंडियों का जो असर है वो ज़्यादा होने लग गया है, और अब फसलों में जो ठंडी का एक विशेष कीट है वह माहू है, यही आपको फसलों में देखने को अब मिलेगा। तो हर एक फसल, चाहे कोई सा भी फसल हो, आप सरसों ले लें, गेहूँ ले लें, जो रबी सीजन की मुख्य फसलें हैं, या फिर रबी सीजन की सब्जियाँ हैं, जैसे इस पौधों को देख सकते हैं, ये भिंडी का सब्जी है या भिंडी का खेत है, इसमें लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरी जो फूल वाली डोरी है, जो फल वाली है, ऊपर का एकदम पूरी तरह से ढक गया है, पत्तियों में तो है ही है। अब ये क्या करेगा कि एकदम से चिपचिपा पदार्थ यहाँ ये निकालते हैं और एकदम से इसका रस चूस लेते हैं, जिससे आपका पौधा न तो बढ़ने में सक्षम होगा न तो उत्पादन दे पाएगा। वैसे ही सरसों में, राई में या अन्य सभी फसलों में आपको देखने को मिलेगा, और ये ठंडी बढ़ने के साथ साथ इनका प्रकोप भी बढ़ने लग जाता है। तो अब इनका जो उपाय है, जो संरक्षण का उपाय है अपने फसलों को, या फिर इस कीट के नियंत्रण का उपाय हम क्या करना चाहिए, तो हम इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके उपाय के लिए एक सबसे अधिक जो दवाई प्रचलित है मार्केट में, जो रासायनिक दवाइयाँ हैं उपलब्ध हैं, तो उसमें से पहला है, आप डाईमेथोएट का उपयोग कर सकते हैं। डाईमेथोएट 30 EC को आप लगभग 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या फिर ये नहीं मिल पाए तो मेटासिस्टॉक्स का नामक एक कंटेंट आता है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। यह 25 EC में आता है और 350 से 400 ml प्रति एकड़ के लिए यह पर्याप्त होता है। छिड़काव करते समय कुछ चीज़ें बहुत ही विशेष ध्यान रखने योग्य होती हैं, वह है कि अभी जैसे हम लोग सरसों में करेंगे या फिर अन्य फसलों में करेंगे, राई में करेंगे, आने वाले समय में करेंगे, जो फूल वाली फसलें हैं, बहुत ही अधिक आकर्षित फूल आती हैं उसमें, तो उसमें सुबह के वक्त आप छिड़काव ना करें, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो हमारी बेनिफिशियल कीट होते हैं, जो लाभकारी कीट होते हैं, उनका भी मरने का खतरा रहता है। तो आप इनका छिड़काव शाम को करें, जिससे क्या हो कि आप जब छिड़काव करें तो जब मधुमक्खियाँ कम दिखें तभी आप छिड़काव करें, जिससे आपको जो लाभकारी कीटे हैं उनको बुरा असर देखने को ना मिले। तो इस प्रकार से आप माहू का संरक्षण कर सकते हैं, मतलब फसलों का संरक्षण कर सकते हैं और माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी यही है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एवं हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।